चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम शनिवार तड़के चांद की सतह पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है और यह क्षण इसरो के वैज्ञानिकों के लिए दिल की धड़कनों को थमा देने वाला होगा। भारत के लोग देश की इस ऐतिहासिक अंतरिक्ष छलांग की सफलता के लिए प्रार्थना करने के साथ ही शुक्रवार शनिवार के दरमियानी रात होने वाली सॉफ्ट लैंडिंग की घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य राष्ट्रों की निगाहें भी इस मिशन पर टिकी है। सफल सॉफ्ट लैंडिंग भारत को रूस, अमेरिका और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बना देगी। इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय लिखते हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम देश बन जाएगा। विक्रम अभी कक्षा में चंद्र सतह से इसके निकटतम बिंदु लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से ये चांद की तरफ नीचे की ओर बढ़ना शुरू करेगा। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 2 अपने लैंडर को 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में दो गड्ढों मैजिनस सी और सिंपेलियस एन के बीच ऊंचे मैदानी इलाके में उतारने का प्रयास करेगा। आइए जानते हैं प्रज्ञान से जुड़ी कुछ खास बातें। इसरो की जानकारी के मुताबिक प्रज्ञान का वजन 27 किलोग्राम है। ये 50 वाट पावर से चलता है। इसमें दो प्लॉट्स लगाए गए हैं। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसकी मिशन लाइफ एक लूनर डे है। एक लूनर डे यानी चांद का एक दिन, जो कि धरती के करीब 14 दिनों के बराबर है। चंद्रमा पर एक दिन की यात्रा के दौरान इसे धरती के अनुसार 14 दिन तक अपनी ऊर्जा से काम करना होगा। इसे अगर वहाँ सौर ऊर्जा मिलती रही तो इसकी सबसे कठिन परीक्षा भी पास हो जाएगी। परिज्ञान वहाँ सौर ऊर्जा के जरिए स्वतः चार्ज होकर पृथ्वी पर हमारे लिए चांद से संकेत भेजता रहेगा। इसमें दो लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर लगे हैं, जिससे ये पता लग सकेगा कि चंद्रमा की परत पर मौजूद तत्वों में कौन कौन से कंपोजिशन हैं। इसमें सोलर एक्सरे मॉनिटर भी लगे हैं, जो चंद्रमा से जुड़े राजों को खोलने में मददगार होगा। मिशन प्लॉट्स में इमेजिंग आईआर स्पेक्ट्रोमीटर भी लगा है, जो हमें ये बताएगा कि चांद की लूनर परत पर पानी है कि नहीं। इसके अलावा इसमें एक रडार भी लगी है, जो कि पोलर रीजन की माप बताने के साथ साथ ये बताएगी कि यहाँ दूसरी परत में वाटर आइस है कि नहीं है। इसके अलावा तीन और अन्य यंत्र लगे हैं, जो कि ये चंद्रमा पर जीवन और उसके भविष्य व भूत से जुड़े तमाम रहस्यों की परतें खोलने में मददगार होगा। चांद कैसे बना, उसमें बदलाव क्यों होते हैं, चांद के राज अंतरिक्ष के रहस्यों से कैसे जुड़े हैं, वहाँ पानी है पर कितना है, कौन से खनिज हैं, ऐसे कई सवालों के जवाब चंद्रयान 2 हमें आने वाले दिनों में देगा। चंद्रयान 2 भारत का मून मिशन है, जो आज आधी रात चांद के साउथ पोल में उतरेगा। यहाँ अभी तक कोई भी देश नहीं पहुँचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।